हाय फ्रेंड, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले ICICI बैंक के बारे में, जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का और 593 में अभी करंट टाइम करता हुआ दिखाई दे रहा है आपका दोस्तों, जो 0.27% अप मूव है। आने वाले बहुत जल्द जून लास्ट तक आपका 720 का लेवल देखने को मिलेगा। एंट्री पॉइंट सही है, AGM लिस्ट में है नहीं। डिविडेंड प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा, मतलब बैंकिंग सेक्टर उतना ज़्यादा देता नहीं है, क्योंकि उनको खुद इंटरेस्ट लेना होता है दूसरे से, तो उस हिसाब से देता नहीं है। तो पी देख सकते हो आप 21 का है और सेक्टर पी 28 का है, तो सीधा सीधा 7% तो कम है। एक्सपर्ट देखो 100% बुलिश है। सेक्टर पी भी आपका ज़्यादा है, जो 3.23 है, जो ICICI खुद का मतलब शेयर का सेक्टर पी है 2.95, तो एक बहुत बड़ी बात होता है कि अभी भी नीचे चल रहा है ये स्टॉक। और रेवेन्यू और प्रॉफिट का एक बार चार्ट देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे, ये देखो कैसे जनरेट करके दे रहा है हर साल। जो आपका कोविड के टाइम पे भी ये रेवेन्यू कम नहीं किया है, वो 1.49 करोड़ आपका करके दिया है। तो ये एक अच्छा होता है कि धीरे धीरे इंक्रीजिंग कर रहा है और इंडसइंड बैंक की तरह धीरे धीरे टारगेट 1500 के आसपास आएगा, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। तो अभी लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। RBI का रूल गाइडलाइन ना मानने पे 3 करोड़ का फाइन लगाया था चार्जेस ओवर स्टॉक्स, ये 2017 का बात है, तो उसका एक आया हुआ है दोस्तों, 3 करोड़ का मॉनिटरी पेनल्टी लगाया है जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर, ये लगाता रहता है। RBI का बहुत सारे रूल्स एंड नॉर्म्स है जिस पे प्राइवेट सेक्टर हर कोई बैंक कभी ना कभी फंस ही जाता है दोस्तों कोई। लेकिन सबसे बड़ी जो फोकस करने वाली बात है, टॉप स्टॉक ICICI बैंक, टाटा केमिकल और जो जैसे कि आपका जो स्टॉक मतलब एक बताया गया है कि फोकस रहना है, तो वो स्टॉक आपको फोकस रहना ही है। अदानी पोर्ट का हो गया, अदानी पोर्ट पे आप बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी है। ROC देखो 6% है, ROE 15% है, तो फेस वैल्यू भी 2% है। अब मार्केट कैप को तो पता ही है, तो अभी 50 डेज के नीचे था तब भी एक बाइंग पोजीशन बना था दोस्तों, मेरा पिछले वीडियो में बताया था, तो अभी भी एक बाइंग पोजीशन बताया है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट है दोस्तों, तो आप बाइंग करके चल सकते हो इसमें अभी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ये बेस्ट है दोस्तों। और रेवेन्यू देखो आपका दिसंबर 2020 में 22,214 और मार्च में 22,300 के आसपास, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि देखो जो लैंड लिया है ना प्राइवेट सेक्टर बैंक, देखो इसका कम होता गया है, मतलब 2000 करोड़ कम इंटरेस्ट पेड किया, ये एक अच्छी बात है कि एक्सपर्ट यही सर्वे करके अपना फोरकास्टिंग करते हैं दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो आप, FII DII सब मेंटेन किया है, ROC ROE भी ठीक ठाक है और मार्च 2021 का दिया नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात होता है दोस्तों। आप अपना पोजीशन बना सकते हो इसमें और लाइक करो, सब्सक्राइब करो आपका खुद का चैनल और फ्रेंड के साथ शेयर करो।